वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूं सारे एक नंबर होंगे। तो यार अपने पूरे शेड्यूल की मैंने अपनी खुद ही मां बहन कर दी है। जैसे कि मैं 3-4 दिन से मैं जिम नहीं गया हूं, बिल्कुल भी नहीं जिम गया हूं। हाय क्यूटी, एक क्यूटी तो मैं भी डिजर्व करता हूं जो साथ में बिठा के मैं ऑफिस लेके जा सकूं जिसको, और फिर उसको वहीं पे छोड़ दूंगा। भाई तू देख ले अपना, देख ले, मैं तो काम करूंगा यहाँ पे। तू अपना मेट्रो में निकलना है तो निकल जा, कोई चक्कर ही नहीं। अपना अपना काम बनना चाहिए बस ना। और फिर मेट्रो से शाम के टाइम जिस टाइम में मैं निकलता हूँ, और एक बार आ जाए अबे कुत्ती के बीच, स्कूटी हटा जल्दी। हाँ तो जैसे कि जिम नहीं गया हूं, पर लेकिन और एक और बड़ी बात कि मैंने कल व्लॉग भी नहीं बनाया है, बट आपके लिए तो डेली व्लॉग आ रहे होंगे क्योंकि मैंने पीछे का आगे 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 करके चल रहा हूँ। एक दिन जैसे कि आज व्लॉग बना दो तो कल आएगा। बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ ऑफिस के लिए, और आज मम्मी इसलिए नहीं है क्योंकि मम्मी क्या छुट्टी है, आज कौन सा सैटरडे है, लास्ट सैटरडे छुट्टी हमारी नहीं होती। हमारे राजमिस्त्री ने हमें छुट्टी नहीं दी, हमारी दिहाड़ी काट लेते हैं नहीं तो। फिर अभी मैं फटाफट पहले गुरुद्वारे जा रहा हूँ, मतलब लेट तो मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए, और शाम को पार्टी में भी जाना है। बहुत सड़क देख ऐसा रहेगी पैदल चल के। एक मिनट भाइयों, बस रेड लाइट क्रॉस कर दूं, फिर उसने क्रॉस करी थी। इट्स आल्सो अ बिग टास्क। तो भाई मैं ये कह रहा था कि हमारे राजमिस्त्री पैसे काट लेंगे अगर हमने अगर सैटरडे को छुट्टी कर ली तो, इसलिए हमारी कोई छुट्टी नहीं। और कल तुम्हारे भाई का कल एक कीड़ा काट गया मेरे को ना, वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो वाला जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि ना यार मेरा कंपटीशन खेलने का मन कर रहा है। तो तुम क्या बोलते हो कि खेल जाऊं क्या? वैसे ज्यादा लोग तो देखते नहीं है मेरा व्लॉग, बट जितने लोग भी देखते हैं तुम यार सजेस्ट करो, कमेंट करके बताओ कि खेल जाऊं कंपटीशन। मन तो कर रहा है यार, क्योंकि यार जिंदगी में ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा है यार। देख ना तो फॉलोअर्स बढ़ रहे, एक टाइम था जब फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे, 10,000 पार कर गया था। अब एंचो ना व्यूज आ रहे ना लाइक्स आ रहे, और ऑफिस भी नॉर्मली चल रहा है। कोई ये नहीं कि मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, कुछ दिन पे दिन इंक्रीमेंट हो रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। पर लेकिन कॉम्पिटिशन के टाइम पे ना एक अलग ही किक थी भाई, जीत के आता था ना, ओए स्वाद ही अलग आता था भैंस की टैंट। ऐसा लगता था कि हाँ भाई कुछ अचीव कर रहा हूँ। अभी जी सा नहीं आ रहा यार, कुछ अचीव करने का मन, तो मेहनत करूंगा। मेहनत बहुत ज्यादा होगी भाई, 2 टाइम का वर्कआउट, सुबह शाम वर्कआउट करो, ऑफिस जाओ इतना दूर, और उसके बाद डाइट भी एकदम क्लीन, पूरी डाइट ठंडे अंडे खाता रहूंगा है। और भी भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, और वर्कआउट इतना खतरनाक वर्कआउट, नॉर्मल वर्कआउटों की तरह नहीं होता वो वर्कआउट भाई, बहुत डेंजरस वर्कआउट होता है। पर भाई खेल पर करने वाले कर जाते हैं, और नहीं करने वाले बातें बनाते रह जाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कर जाऊँ। और आज मैं सोच रहा हूँ कि ना साला 10 मिनट का ही व्लॉग निकालता हूँ, कोई ज्यादा लंबा व्लॉग नहीं निकालता, क्योंकि मैंने सुना है ज्यादा लंबा व्लॉग देखो निकालते रहते हैं ना तो लोग दिखते नहीं है, वो टिकते नहीं है भाई। साथ वाले इसमें कभी ले लूं व्लॉग में, हाँ भाई चूतड़ की महल। तो चलो मैं इसको अभी खत्म करता हूँ, और उसके बाद फिर गाड़ी में बैठूंगा, फिर थोड़ी सी बात करूंगा, और कोशिश करूंगा कि पूरे 10 मिनट का ही व्लॉग बनाऊं, ठीक है? तुम्हें तुम्हारे ज्यादा टाइम नहीं खींचूंगा, एक बंदा देखता है तो एक बंदा ही देखे, पूरा व्लॉग देखे। पर लेकिन अभी आधे में काट के चले जाते होंगे, आरामी है स्टैंड। चलो ठीक है, अभी मैं ना गुरुद्वारे जा रहा हूँ फतेहपुर मत्था टेक के, उसके बाद रात को किसी फंक्शन में भी जाना है। बढ़िया है यार, अपने को कोई ना कोई बुलाता रहे, अपना खाना पीना चलता रहे टाइम से, अपने को कुछ खर्चा ना करना पड़े खाना पीने के मामले में। ऑफिस में 2 टाइम का खाना मिल ही जाता है, और वैसे दिनों में वही जाता है। आज ये है कि बस ऑफिस से खाना नहीं खा के आऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऑफिस से खा के आ गया तो मेरा पेट भरा होगा और मैं वहां नहीं खा पाऊंगा। खाना जरूरी है, पर लेकिन अगर मैंने कंपटीशन की तैयारी कर दी तो फिर मैं क्लीन डाइट पे चले जाऊंगा, तो मैं नहीं खा पाऊंगा बिल्कुल भी, ना ऑफिस का खाना खा पाऊंगा, ना मैं किसी फंक्शन का खाना खा पाऊंगा, ना कुछ बाहर से, एकदम क्लीन डाइट चलेगी। क्योंकि अगर हम अगर कुछ खेलेंगे तो हम वो जीतने के लिए ही खेलेंगे, हवा में कोई काम नहीं। चलो ओके भाई, सॉरी यार, बहनचोद 5 मिनट हो गए यार, मेरा पता नहीं अलग ही सिस्टम है साला, जितना बुलवा लो मेरे से मैं बोलते ही रहूंगा बस। वो कहते हैं ना बातों का ही है,
मेरा भी वही समझ लो यार। चलो यार भैंस की टेंट पहुंच गए। घड़ी कर दिया किसी के घर के आगे। अब फटाफट गुरुद्वारे मत्था टेक लेता हूँ, पैदल चल के जा करूँ, उसके बाद मिलता हूँ गाड़ी में दोबारा ही। मेरा वैन से वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, ये ले दोस्त का ही फोन आ गया, दो मिनट उससे बात कर लेता हूँ। पीछे ने लड़का लड़की चिपक रहे हैं, अरे वैन से लड़का कहाँ चला गया, और नीचे नीचे घुस कर वैन चो तो वैगनार में भी लड़का घुमा रहे हैं, हम ईगो फोर्ड ईगो स्पोर्ट में भी कुछ नहीं कर पा रहे। मैं वैन चो कुत्ते गंदी बला दे देता हूँ, इसको ना गाली चढ़ा देता हूँ, अंडी मंडी छंडी अगर इसने इसको छुआ भी तो इसकी माँ बहन करता। हेलो हेलो, ये क्या है, ये मुझे दे दो, मुंह में नहीं डालना ना, बोलो बाय बाय, इस व्लॉग को खत्म करते हैं, अब मैं जा रहा हूँ फंक्शन में, बोल दो, बोलो नहीं, बोलो ना नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं। तो मैं आज अपने मामा के लड़के से मिलवाता हूँ, लोकेश नाम है, जो कि भाग चुका है। इधर आइए लोकेश, इधर ये दूसरा लड़का है। अरे वो इतना अरे ब्लॉग बन रहा है, हेलो गाइस, शर्म आ रही है इसको, बोल सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइस, लोकेश इधर सब्सक्राइब कर दो गाइस, इतने बंदों से बुलवा दिया है। अब चलो ब्लॉग को खत्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करो। ओके बाय भाई, मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर दो लोकेश। प्रमोशन कर दी, देख रहे ये बहुत आगे तक जाएगा, ले ले अच्छे से कर भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल भी, लोकेश सरूजा आर्ट्स गाइस, शबरी व्लॉग्स को सब्सक्राइब मत करना गाइस। ये दोनों भाई हैं ना, ये ऐसे ही करते रहते हैं। क्या ये गहने उन्होंने दिए हैं, पैसे वैसे हैं, मिठाई है ठीक है।